हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम लेंगे एक नया टॉपिक, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। हम जानते हैं कि हमारे सारी ट्रेट क्रोमोसोम की वजह से होती हैं, और क्रोमोसोम अगर ठीक ना हो, क्रोमोसोम में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी हो जाए तो कोई ना कोई ट्रेट में प्रॉब्लम आती है, ट्रेट ठीक नहीं रहती। इसको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को। पहला पॉलीप्लॉइडी और दूसरा एन्यूप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी मोस्टली प्लांट में होती है, एनिमल में पॉलीप्लॉइडी नहीं होती। प्लांट में क्या होता है कि कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, कंप्लीट सेट इज इंक्रीज्ड। कैसे? मान लो कोई प्लांट डिप्लॉयड है तो क्रोमोसोम को 2n से लिखते डिप्लॉयड में, तो इसमें एक पूरा सेट फालतू हो जाता है, इसको कहते हैं ट्रिप्लॉयड। ट्रिप्लॉयड में 3n हो सकता है। टेट्राप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड में एक और सेट फालतू हो जाएगा 4n। पेंटाप्लॉयड 5n और हेक्साप्लॉयड 6n। वास्तव में दिस पॉलीप्लॉयड कंडीशन इज ऑब्टेन्ड आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियली वी कैन मेड पॉलीप्लॉयड इन प्लांट्स। आपको मैं बता देता हूं, मेज में मक्का, वीट में और इसी तरह कुछ दूसरी क्रॉप्स में पॉलीप्लॉयड प्लांट बनाए गए हैं। दीज पॉलीप्लॉयड प्लांट्स आर मोर प्रोडक्टिव। ये प्लांट मोर प्रोडक्टिव हैं, दे आर मेड बाई आर्टिफिशियल टेक्निक एंड दे आर मोर प्रोडक्टिव। इन एनिमल्स पॉलीप्लॉयडी डू नॉट अकर्स बिकॉज ए पॉलीप्लॉयड एनिमल कैन नॉट सर्वाइव। तो यहां एनिमल में पॉलीप्लॉयडी नहीं होती, पॉलीप्लॉयडी केवल प्लांट में होती है। अब हम बात करें दूसरी ट्रेट की, जो है एन्यूप्लॉयडी। एन्यूप्लॉयडी में क्या होता है, देयर मे बी एक्सेस और शॉर्टेज ऑफ एनी क्रोमोसोम। कोई क्रोमोसोम अधिक हो सकता है, कोई कम हो सकता है, और इन केस ऑफ मैन 3 एनिप्लॉइड्स आर क्वाइट कॉमन। इफ देयर इज शॉर्टेज ऑफ वन क्रोमोसोम इट इज नोन एज शॉर्टेज, मींस मोनोसोमी। इफ देयर इज शॉर्टेज इट इज कॉल्ड मोनोसोमी। शॉर्टेज ऑफ वन क्रोमोसोम देन इट इज मोनोसोमी, एंड इफ इट इज एक्सेस ऑफ वन क्रोमोसोम इट इज नोन एज ट्राइसोमी। देयर मे बी मोनोसोमी और ट्राइसोमी। इफ देयर इज शॉर्टेज ऑफ वन क्रोमोसोम सच पर्सन विल हैव 45 क्रोमोसोम, एंड इफ वन क्रोमोसोम इज एक्सेस इट विल हैव 47 क्रोमोसोम। एंड इन योर सेरेब्रम देयर आर 3 एनीप्लॉयड। द फर्स्ट वन इज डाउन सिंड्रोम, दैट इज ट्राइसोमी ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट क्रोमोसोम। सेकेंड इज क्लिनफेल्टर सिंड्रोम,
दैट इज एक्स एक्स वाई और हियर इज ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। एंड थर्ड वन इज टर्नर सिंड्रोम दैट इज एक्सओ एंड इट इज एक्चुअली मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। सो दीज थ्री टाइप्स ऑफ एन्यूक्लोइडीज सीन इन केस ऑफ ह्यूमन बींग एंड वी विल डिस्कस दीज थ्री सेपरेटली। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक डाउन सिंड्रोम। द फर्स्ट कंडीशन इज डाउन सिंड्रोम। द फर्स्ट डाउन सिंड्रोम This Down syndrome is actually discovered by Langdon Down. He was a scientist and in 1866 he discovered this. So on the name of that scientist it was seen that the name Down syndrome. It has trisomy of 21st chromosome. How this trisomy or monosomy occur? It is a case of non-disjunction. Non-disjunction. Actually, when a cell divide, suppose this is a cell having 46 chromosome. Sometimes this cell divides into two cell, one of 22 and other of 24. So this is the case of monosomy or trisomy. In this case, when this combined with this, it will be formed 45 chromosome, and if this combined with this, it will form 47. So it is a case of non-disjunction. In non-disjunction, during cell division, chromosome do not move equally to both poles. हाफ हाफ होने चाहिए, लेकिन इस केस में दोनों बराबर ना जाके एक तरफ ज्यादा चले जाते हैं, एक तरफ कम रह जाता है, तो ये केस हो जाता है नॉन डिसजंक्शन। तो जो नॉन डिसजंक्शन है, ये नॉन डिसजंक्शन की वजह से ये ट्राइसोमी या मोनोसोमी रह जाती है। तो ये जो डाउन सिंड्रोम है, इसमें 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है, इसको हम ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम भी कह सकते हैं। इट इज एक्चुअली ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। सो अल्टीमेटली दी पर्सन हैव 47 क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ 46। दे हैव 47 क्रोमोसोम। नाउ वी विल टेक व्हाट आर द करेक्टर, व्हाट आर द सिम्टम्स। The symptoms of down chromosome are specific. They have open mouth. इनका मुंह हर टाइम खुला रहता है. Protruded tongue. इनकी जीभ बाहर निकली रहती है मुंह में से. Tongue. मुंह से लार टपक रहती है salivation. इनकी जो पाम है ब्रॉड होती है, स्पेशल होती है। टंग विद क्रीज
जीव के अंदर एक निशान सा होता है, क्रीज होती है, टंग विद क्रीज। मेंटल रिटार्डेड लर्निंग प्रॉब्लम, हियरिंग प्रॉब्लम, देखेंगे तो देखते रहेंगे, कोई किसी चीज की तरफ कहीं खड़े हो जाएंगे तो खड़े ही हो जाएंगे। इसके अलावा हार्ट डिफेक्ट हो सकता है, जन्म से हार्ट डिफेक्ट, कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट। इसके अलावा भूलने की आदत और सोने में प्रॉब्लम और स्मॉल साइज, शॉर्ट हैंड, छोटे छोटे हाथ होते हैं और वाइड फेस, वाइडर फेस, राउंड होता है। ये इनकी कुछ मेन प्रॉब्लम होती है जो इनमें पाई जाती है। इसके अलावा इनके जो कान हैं, ईयर आर आल्सो स्मॉल एंड स्ट्रेंज टाइप, अलग ही तरह के कान होते हैं। चेहरे से देख के अंदाजा लगा लेते हैं ये जनरली हाफ मैन से होते हैं, हल्के पागल से होते हैं। और इसका नो ट्रीटमेंट, इसका कोई भी इलाज नहीं होता, किसी भी जेनेटिक डिजीज का इलाज नहीं होता, नो एनी ट्रीटमेंट। इनकी मेंटल एबिलिटी कम होती है। तो ये था हमारा डाउन सिंड्रोम। इसके बाद दूसरा आता है सेकेंड, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम इनमें क्या है, इनमें एक्स एक्स वाई होता है। इनमें भी 47 क्रोमोसोम है लेकिन इनमें सेक्स क्रोमोसोम एक फालतू है। हम ये कह सकते हैं कि एक्स एक्स फीमेल में एक वाई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है या मेल में एक फीमेल क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है। देयरफॉर दीज आर ऑफ बोथ कंडीशंस एंड इन दीज एक्चुअली दीज आर मेल बट विद फीमेल कैरेक्टर, दीज आर मेल विद फीमेल कैरेक्टर। इन दीज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर लेस डेवलप्ड, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लेस डेवलप्ड, स्टेराइल होते हैं, रिप्रोडक्टिव नहीं होते। इसके अलावा स्पर्म इनमें नहीं बनते, स्पर्म डू नॉट फॉर्म्स और लेस, अगर बनते हैं तो बहुत कम बनते हैं, या तो बनते ही नहीं और बनेंगे तो बहुत ही कम बनेंगे। मेंटल प्रॉब्लम है, मसल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है, मसल डिफेक्टिव, फीमेलनेस है, गायनेकोमेस्टिया। इसमें क्या होता है, इनकी जो ब्रेस्ट है वो हाई डेवलप होती है, ब्रेस्ट डेवलप्ड। मेल में फीमेल फीचर्स, लेस हेयर ऑन द बॉडी, मूछ दाढ़ी भी इनके कम होती है। इसके अलावा लॉन्ग लेग, और ये थोड़े से लंबे होते हैं, लॉन्गर होते हैं साइज में, कॉमन आदमी से थोड़े से लंबे होंगे। इसके अलावा इनमें
साइनेस बोथ होगी, शर्मिले होंगे, सेंसिटिव भी होंगे। इसके अतिरिक्त इनमें स्पीकिंग प्रॉब्लम भी है, ये बहुत कम बोलते हैं स्पीकिंग के लिए। जो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है, इनमें जो मसल्स हैं वो कम डेवलप होती हैं। इसके अलावा इनमें जो टेस्टीज हैं वो लेस डेवलप होते हैं। ये इनके इंपॉर्टेंट करैक्टर्स हैं। अच्छा, इसके बाद अगला आता है लास्ट, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है। इसमें वास्तव में केवल एक्स क्रोमोसोम होता है, तो एक्स ओ बोलते हैं इसको, ये जीरो है। देयर इज नो पेयर ऑफ अनदर क्रोमोसोम, देयरफॉर सच कंडीशन इज नोन एज एक्स ओ। टर्नर सिंड्रोम ओनली कंडीशन, ओनली सर्वाइवल मोनोसोम इन मैन। ये अकेली मोनोसोमी है आदमी में जिसमें सर्वाइव करता है। इसमें 45 क्रोमोसोम होते हैं और ये 45 क्रोमोसोम होने की वजह से ये भी स्टराइल है, अनफर्टाइल है। दीज आर फीमेल इन एक्सप्रेशन, ये फीमेल होते हैं, इनमें कोई मेल करेक्टर नहीं होता। इसके अलावा शॉर्ट स्टेचर, इनकी जो हाइट है बहुत कम होती है, ये छोटे कद के होते हैं, नाटे कद के होते हैं। अच्छा, इसके अलावा इनमें फीट फ्लैट, फार आईज, इनकी आंखें दूर दूर होती हैं, आंखों में थोड़ा सा गैप ज्यादा होता है। इसके अतिरिक्त इनके किडनी मलफॉर्म, मेंटल प्रॉब्लम, क्रोमोसोमल डिफेक्ट में मेंटल प्रॉब्लम सब में होती है, चाहे वो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम हो, चाहे टर्नर सिंड्रोम हो, चाहे डाउन सिंड्रोम हो, जहां भी क्रोमोसोमल डिफेक्ट आया वहां सब में ये। इसके अलावा शॉर्ट फिंगर एंड टॉयज, अनडेवलप्ड ओवरी, स्टेराइल, नो मेंस्ट्रुएशन, एंड नो ओवुलेशन, ना ही में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता ना ही में ओवुलेशन होता। इसके अतिरिक्त ये कम एक्टिव होते हैं, लेस एक्टिव, ईयर लो से थोड़े से नीचे होते हैं। ये हमारे टर्नर सिंड्रोम थे, लेकिन ऐसे सिंड्रोम जनरली ओवर एज कपल्स के पैदा होते हैं। जब कपल की एज ज्यादा हो जाती है, जब बच्चा बड़ी एज में होता है, जब किसी किसी पेरेंट्स के बच्चे बड़े ज्यादा दिनों में होते हैं, तो ऐसे केस में ये सिंड्रोम पैदा हो जाता है। इसलिए 25 से 30 साल की एज में चाइल्ड पैदा हो जाना चाहिए, ये बेस्ट एज है। अगर किसी के 40 साल में, 45 साल में, 50 साल में बच्चा पैदा होता है, तो देर इज मोर चांसेज ऑफ ओवर एज पर्सन ऑफन प्रोड्यूस डिफेक्टिव चाइल्ड। जो ओल्ड पर्सन है
उनके बच्चे में डिफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, वहां नॉन डिजंक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, वहां पर क्रोमोसोमल डिफेक्ट आने के चांसेस भी हो जाते हैं और जेनेटिक डिफेक्ट के भी चांसेस हो जाते हैं। ये था हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इसको आप ध्यान से देखें, फिर भी आपने कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ लेंगे, ये केस नॉन डिजंक्शन के। थैंक यू, ओके।